हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एलईडी बल्ब को रिपेयर करने का सिंपल और आसान तरीका बताने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे सामने बहुत सारे एलईडी बल्ब हैं। देखिए, ये तो जल रहा और बाकी एलईडी जो है नहीं जल रहा। कोई जल रहा है, हल्का जल रहा है, कोई बिल्कुल भी जल नहीं रहा। अगर कुछ इस तरह का फॉल्ट अगर आपके घर के एलईडी बल्ब में है, तो उसको आप कैसे रिपेयर करेंगे? उसको रिपेयर करना बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। बस आपके पास एक सोल्डिंग आयरन और थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, आप इजीली घर पे कोई भी खराब एलईडी बल्ब को रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बल्ब को होल्डर में लगाएंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जल नहीं रहा, तो उसका डिफ्यूज़र को हम खोल लेंगे। तो देखें, खोलने के बाद अक्सर लोग क्या करते हैं कि एक चिमटी लेकर के बारी बारी से एक एक SMD LED को हम क्या करते हैं, शॉर्ट कराते हैं। तो आपको इस तरह का ट्रिक नहीं आजमाना है, इस तरह से आपको शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि जितना भी इसमें SMD LED लगा हुआ है वो सब सीरीज में लगा हुआ है। ये जो SMD LED हुआ है सब सीरीज में लगा हुआ है, और अगर एक भी कोई SMD खराब हो जाए तो आपका LED बल्ब जो है नहीं जलेगा। तो अगर आप इस तरह से शॉर्ट करते हैं, तो शॉर्ट करने पर अगर एक LED आपका ख़राब होगा तो आपका MCPC भी जलेगा, बल्ब जल जाएगा, लेकिन अगर एक से ज़्यादा होगा तो नहीं जलेगा उस कंडीशन में। तो आपको करना क्या है, इस तरह से शॉर्ट नहीं करना है, आपको लेना है एक मल्टीमीटर और उसको 1000 का रेंज में सेट करके उससे पहले इसका आउटपुट वोल्टेज को हमको चेक कर लेना है। तो आउटपुट वोल्टेज प्लस माइनस में कुछ इस तरह से पोर्ट को रख करके उसका आउटपुट वोल्टेज हम चेक करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 117 वोल्ट के आसपास आउटपुट शो कर रहा। तो सबसे पहले हम वोल्टेज चेक करते हैं। तो इस तरह से वोल्टेज चेक करने पर हमको क्या पता चला कि आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि ड्राइवर सर्किट जो है अंदर का जो सर्किट है ओके है, और ये MCPCB जो है वो मेरा ख़राब है, क्योंकि वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है लेकिन LED जल नहीं रहा। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि मेरा सर्किट जो है ओके है, प्रॉब्लम मेरा MCPCB में है। तो अगर आपके पास मीटर नहीं है तो आप एक फ्रेश MCPCB को लेंगे कुछ इस तरह से, और इस MCPCB का प्लस और माइनस में दो वायर हम जोड़ेंगे, रेड और ब्लैक वायर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें हम प्रोड जोड़ दिए हैं। ये दोनों प्रोड को, रेड और ब्लैक को, हम आउटपुट में कुछ इस तरह से क्या करेंगे, टच करेंगे। देखें, तो इस बार मेरा LED जो है जल रहा है। इससे ये प्रूफ हो रहा है कि मेरा MCPCB जो है कन्फर्म ख़राब है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके जगह में नया MCPCB हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले हम होल्डर से बल्ब को बाहर निकालेंगे और MCPCB का दोनों स्क्रू को हम खोल लेंगे, और आउटपुट वायर को भी MCPCB से डिसोल्ड कर देंगे कुछ इस तरह से। और ये MCPCB को बाहर निकाल करके हम कोई नया MCPCB इसमें हम रिप्लेस कर देंगे। ये MCPCB मार्केट में 5 से 6 रुपया में आसानी से आपको मिल जाएगा। तो इस MCPCB में जब आप गौर से देखेंगे तो एक साइड प्लस और एक साइड माइनस लिखा हुआ मिलेगा। तो बल्ब का जो रेड वाला वायर होता है वो प्लस होता है और ब्लैक वाला माइनस। तो आपको MCPCB का प्लस और माइनस में दोनों वायर को कुछ इस तरह से सोल्ड कर देना है। सोल्ड करने के बाद फिर इसका दोनों स्क्रू को आपको टाइट कर देना है हीट सिंक के साथ, इस तरह से टाइट कर दे स्क्रू स्क्रू से। स्क्रू ड्राइवर की सहायता से आसानी से इसको आप टाइट कर लेंगे। उसके बाद आइए इसको हम टेस्ट करते हैं। देखिए, मेरा एलईडी बल्ब जो है ओके हो गया। तो इस तरह से आप इजिली एक एक SMD को चेक करके, नहीं बिल्कुल आसान तरीका है, एक ही बार में आप इजीली इस तरह से चेक करके जान सकते हैं कि मेरा प्रॉब्लम कहाँ है। अब इस LED को भी हम चेक करते हैं। तो देखें देखें दोस्तों, ये LED हल्का ग्लो कर रहा है। अब इसका आउटपुट में हम MCPC को टच करते हैं, देखें इसमें भी मेरा MCPCB जल रहा है, यानी कन्फर्म है कि इसमें भी मेरा MCPCB ही खराब है। इसको भी हम रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि शॉर्ट करने के बाद एक LED अगर ख़राब है, उसको अब जब हम शॉर्ट कर देते हैं तो
एमसीपीसीबी तो जल जाता है, लेकिन ज़्यादा ये लास्टिंग नहीं करता है, ये जल्दी ही ख़राब हो जाता है। इसलिए बेहतर ये होता है कि आप नया एमसीपीसीबी इसमें चेंज कर दें, तो आपका एलईडी बल्ब जो है ज़्यादा समय तक चलेगा। इस तरह से इसको भी हम फिट कर लेते हैं। सेम इसमें भी प्लस माइनस देख करके दोनों वायर को आपको सोल्ड कर देना है। इसमें भी सेम फॉल्ट है, इसका भी एमसीपीसीबी खराब था, तो प्लस माइनस हम इसमें सोल्ड कर देंगे दोनों वायर को। अब इसका टेस्टिंग करते हैं। देखें दोस्तों, ये भी मेरा ओके हो गया। इस तरह से कोई भी एलईडी बल्ब को आप इजीली घर पे बना सकते हैं, यानी कि 90% फॉल्ट जो है आपका एमसीपीसीबी से ही आता है। अब आइए इस बल्ब को भी हम टेस्ट करते हैं। इसी तरह इसको भी हम टच करके देख लेते हैं। देखें इसमें भी मेरा एमसीपीसीबी जल रहा है, यानी इसका भी एमसीपीसीबी खराब है, तो इसको भी हम चेंज कर देंगे। सेम उसी तरह से जैसे पिछला बल्ब में हम चेंज किए हैं, सेम उसी तरह से हमको इसको इसमें भी चेंज कर लेना है। एमसीपीसीबी चेंज करने में सबसे पहला बात तो यह है, आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको चेंज करना, कोई भी इसको इजीली अपने घर पे चेंज कर सकता है। और हीट सिंक के साथ स्क्रू जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको टाइट कर लेना है, क्योंकि जब ये बल्ब जलता है तो हीट होता है और उस हीट को ये एल्युमिनियम का जो प्लेट है वो एब्जॉर्ब करता है। इसलिए हीट सिंक के साथ अच्छी तरीके से आपको एमसीपीसीबी को टाइट कर देना है। अब आइए इसका भी प्लस माइनस को हम जोड़ लेते हैं। देखें ये भी ओके हो गया। इस तरह से कोई भी एलईडी बल्ब को इजीली आप घर पे बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। तो दोस्तों ये मेरा सारा एलईडी बल्ब जो है कंप्लीट हो चुका है। आपको बस इस तरह का एक टेस्टर बना लेना है, जो कि 5-6 रुपये में इजीली आप बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। देखें दोस्तों सारा एलईडी बल्ब जो है मेरा ओके हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।